भाई फट गई यार, मेरी फोन फट गई यार। ट्राई करना आप दिन में आओ यार, कुछ भी हो जाए इंटरनेट ऑन रखना। ऑल राइट यार, अब मैं निकल रहा हूँ बर्लिन से, जा रहा हूँ कोबुर्ग, उसके बाद मैं जा रहा हूँ फुल्डा, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ होक्सुले हैट्स। मैं कभी गया नहीं हूँ हैट्स, और वहाँ पर एक फेमस कोर्स है जहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारी जर्नी दिखने वाली है आने वाले ब्लॉग्स में। अभी इस वक्त मैं बर्लिन के ज़ूलॉजिकल गार्डन का, ये ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर, एंड जर्नी बहुत लंबी है। अभी शाम के बज रहे हैं 5, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ डेसाओ में भी यूनिवर्सिटी है होक्सुले अनहाल, और फिर वहाँ से लाइब्जिश से फिर आगे किसी गांव में, फिर वो गांव से फिर मैं कोबुर्ग पहुँच रहा हूँ। कोबुर्ग यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस और सस्ता वाला MBA का कोर्स हो रहा है, चल के देखते हैं स्टूडेंट क्या कहते हैं। अभी एक नया बैच आया हुआ है बहुत रिसेंटली, तो उनसे मिलने वाला हूँ मैं। तो अभी मैं पता नहीं 4-5 ट्रेन लेके रात के 12:15 हो रहे हैं, और एक स्टेशन है लिस्टेफेल्ड, ये थुरिंजिया और बवेरिया के बॉर्डर पे आता है स्टेट के। बहुत टाइम लग गया यार, ऑलमोस्ट 6.5 घंटे हो गए हैं ट्रैवल करते हुए बर्लिन से। सो मेरी ट्रेन अभी आधे घंटे बाद है, ट्रेन स्टेशन वहाँ पर, और लिटरली इस पूरे जगह पर कोई भी नहीं है, कोई नहीं है स्टेशन पे भी, कोई नहीं है, एक ही बंदा बैठा है एकदम कॉर्नर में। सो मैं जा रहा हूँ कोबुर्ग यूनिवर्सिटी में, एक बहुत फेमस MBA का कोर्स है। 1.5-2 साल पहले वहाँ गया था, कैंपस टूर किया था, बट फिर यार जिसने टूर दिया था उतना मज़ा नहीं आया, तो मैंने सोचा यार फिर से जाके आता हूँ। आधे घंटे बाद अब मेरी ट्रेन आएगी, तो मतलब मेरे को 12:45 तक पहुँचाएगी। एनीवे यार चलता हूँ, प्लेटफॉर्म पर बैठता हूँ, इंजन आ रहा है ट्रेन का, अच्छा उसका आवाज़ समय को कोई आ रहा है। सो ये है स्टेशन का नाम। सो हम आ गए प्लेटफॉर्म पे यार, अभी मैंने देखा ये वाले प्लेटफॉर्म से 3:50 में वियना ट्रेन जा रही है, उस वाले प्लेटफॉर्म से जा रही है रोस्टॉक। आधी रात को घूमने का मजा, लकड़ा लाद के ये कहीं मालगाड़ी ले जा रहे हैं। सो मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हूँ नूरनबर्ग से, कुछ ना कुछ करके मेरे को टाइम किल करना है अभी, और अभी टेम्परेचर फिलहाल चल रहा है 8 डिग्री। याद रहेगा लिस्टेनफेल्स कि आधी रात को यहाँ फंसे थे। ओके ट्रेन आ रही है भाई, ट्रेन आ रही है। तो मेरे को मिला के 5 लोग हैं हम लोग, ट्रेन आ गई है, चलते हैं अंदर यार, हमसे एकदम हालत ख़राब हो गई। सो कोबुर्ग पहुंच गए हैं, हम इस वक्त स्टेशन पे हैं, और रात के बज रहे हैं 12:30। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कोबुर्ग यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना चाहते हो, ये स्टेशन या बेसिकली कोबुर्ग एज अ प्लेस इतना बड़ा जगह नहीं है, इसका जो नियरेस्ट बड़ा शहर है वो आई थिंक न्यूरनबर्ग है, और फिर ऑफकोर्स और नीचे जाओगे तो म्यूनिक आ जाता है। चलते हैं बाहर। कोबुर्ग एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर एक कार की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, HUK कोबुर्ग, उसका नाम ही इंश्योरेंस कंपनी का इस शहर पे पड़ा हुआ है। सो स्टेशन से बाहर आते हुए, और भाई साहब बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वैसे टैक्सी वहाँ खड़ी है, वहाँ से वहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी है, और जो इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा था वो ये रही HUK कोबुर्ग। मैं चलता हूँ अपने डेस्टिनेशन पे यार, आपको मैं कल कंटिन्यू करूँगा व्लॉग सुबह दिन में, आई होप तब बारिश ना गिर रही हो। सो स्टेशन से निकल के वहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, और राइट हैंड साइड में ये पूरा बस स्टॉप का एरिया है। यार ट्राई करना आप दिन में आओ यार, अब देखो यार यहाँ का इलाका और
लाइफस्टाइल में जानता हूँ तो आई कैन फिगर माई वे आउट, बट आप ट्राई करना यार 7 बजे के पहले आना। और ऑफ कोर्स आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट म्यूनिक होगा, बट ऑफ कोर्स अगर थोड़ा चीपर ऑप्शन अगर आप देखो तो फ्रैंकफर्ट बहुत सही रहेगा आपके लिए। एक और चीज़ आओगे तो DB नेविगेटर ऐप और गूगल मैप डाउनलोड करके आना। मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट अप टू डेट रखना, नहीं तो पता चले आधी रात को आप अपडेट करते भाई फट गई यार मेरी थाई में फट गई। मैं कह रहा था कि यार अपना इंटरनेट ऑन रखना, कुछ भी हो जाए इंटरनेट ऑन रखना। So where are we right now? We are at the cafeteria. And which building number is this? Is this building number 5. Right. And I guess you guys study like MBA, FM in the same building, right? Yeah, correct. Got it. Beside this cafeteria, you also have a Mensa. Yeah, Mensa. Okay. Acha. Jahan par used to eat. Acha. Yahan par sirf chai pani hoti hai. Yes, normal cafeteria. But apart from cafeteria, if you want lunch or something like that, you can get in the Mensa. Over here, it's just a snack. Snacks. Chalo. ठीक है, let's go. So yeah, where are we right now? Building number 5 is our cafeteria. Our classes for MBA FM, and also here there is the cafeteria, which I think you'll be seeing it soon. And our master office is also over here. So opposite to building number 5, there's this whole thing right here, and then this is library, right? ये कैंपस पे ऐसा कोई नहीं रहता क्या हर बार? Is this always this empty or just the season? I guess so. Most of the lectures has been done, so there are no people, or some people are sitting in the library. There are separate rooms for the study. You can say mostly in the morning you can you will be able to see people on the campus. Yes. Okay. This is library, by the way. Looks so modern. And there's one more thing I can say about the library. There's a learning room inside. So if like people have to study, they have to book a learning room for about like 2 to 4 hours or more than that. Via app? No, directly. Directly, okay. Yeah. Oh, it's called as ITMZ. Okay. So your email ID, everything is being operated, managed from here? We have to show the student ID card and they are update the details, which book you have took or anything, books okay. or anything. So ye campus ka pura map hai. Mensa aapko humne dikhaya. और यहाँ से आप अंदर आते हो, ये सारे हॉस्टल्स हैं कैंपस पे ही। और अभी जो मैंने आपको बिल्डिंग नंबर 5 दिखाया वो ये रहा, और ये लाइब्रेरी और बिल्डिंग नंबर 5 के बाजू में बिल्डिंग नंबर 2 यहाँ पर है।